हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल होम ब्यूटी एंड क्राफ्ट टिप्स। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पुरानी बेडशीट का पीस लिया हुआ है, आप चाहे तो पिलो कवर का भी पीस ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने छोटा सा टुकड़ा लिया है बेडशीट का, जिससे हम बनाने वाले हैं बहुत ही यूज़फुल चीज़। तो सबसे पहले हमें इसको बराबर करना है और कपड़े को हम बराबर करेंगे और फिर हम निशान लगाएंगे। तो निशान लगाने के लिए हमें एक प्लास्टिक के हैंगर का यूज़ करना है, आप चाहे तो कोई भी हैंगर यूज़ कर सकती हैं। तो यहाँ पे हम इस तरीके से निशान लगाएंगे और ऊपर की ओर जितनी हमें चौड़ाई रखनी है उतनी हमें निशान लगाना है। ये देखिए, यहाँ से हम इसकी चौड़ाई जितनी होगी उतना हमें निशान लगा लेना है, थोड़ा सा बढ़ाकर, जिससे कि हम स्टिचिंग कर लेंगे। और दोनों साइड से अब हमें कट कर लेना है निशान जहाँ से हमने लगाया है। तो यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसको कट करने के बाद हमें दोनों साइड से बिल्कुल बराबर की इसकी कटिंग रखनी है, उधर वाले भी हम अच्छे से कट कर लेंगे। तो दोनों साइड से मैंने कट कर लिया है और ये साइज़ मैंने जहाँ तक निशान लगाया था उतनी चौड़ाई हो गई है। और आप लंबाई चाहे जितनी भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ऑप्शनल है। तो लंबाई भी मैं इसकी अभी छोटी करूँगी। और अब हमें करना क्या है, ऊपर वाले पार्ट को लेना है और यहाँ पे हमें चेन लगानी है। तो एक साइड में पहले हमें जिप अटैच करनी है। तो यहाँ पे हम उल्टे साइड से इसको जिप को अटैच करेंगे, ये देखिए, जिससे कि ये वाला जिप जो है हमारा ऊपर की ओर आएगा। और यहाँ से हम इसको फोल्ड करके यहाँ से हम इसकी जिप अटैच कर लेंगे। तो एक साइड से पहले हमें ज़िप लगा लेनी है इसकी। तो मैंने यहाँ पे ज़िप एक साइड की बस स्टिचिंग कर ली है और अब हमें इसकी कटिंग कर लेना है जितना बड़ा हमारा कपड़ा है। तो यहाँ से हम ज़िप को थोड़ा सा बढ़ाकर कट कर लेंगे। और अब हमें यहाँ पे इसको फोल्ड करना और यहाँ पे बिल्कुल इसके सेंटर में एक निशान लगाना है। तो यहाँ पे हम हैंगर रख कर बिल्कुल यहाँ के सेंटर में हम निशान लगाएंगे। इस तरीके से। और फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम दो निशान लगाएंगे और अच्छे से इसकी कटिंग करेंगे और सर्कल शेप में इसको हम कट कर लेंगे। यहाँ से हम इसको एक होल बना लेंगे। तो यहाँ से मैंने निशान लगाया हुआ था और यहाँ से अब हम इसकी सर्कल शेप में कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, ये हो गई है और यहाँ पे बीच में एक कोई होल हो गया है और ज़िप मैंने पहले लगा ली है। और अब हमें दूसरी साइड की ज़िप भी लगानी है। तो दूसरी साइड की ज़िप लगाने से पहले ये जो हमने सर्कल कट किया है उसके ऊपर हमें लैस लगानी है। तो यहाँ पे मैंने दो लैस कट की हुई है और इस तरीके से हम इस पर प्लेट लगा कर इसको कवर कर देंगे। यहाँ पे हम लैस की लगा देंगे।
ये लेस मैंने यहाँ पे लगा दी है, और दूसरे साइड से भी हमें इसी तरीके से लेस दोनों लगा देनी है, जिससे कि ये इस तरीके से बन गया है, ये देखिए। और अब हमें दूसरे वाले साइड को भी पलट कर जिप को अटैच कर देना है। ये देखिए ये सीधा पार्ट है, तो सीधे पार्ट से हम स्टिचिंग करेंगे तो हमारी स्टिचिंग नहीं हो पाएगी सही से, तो हम इसको उल्टा फोल्ड करेंगे और फिर से हम यहाँ से जिप को अटैच कर देंगे दूसरे साइड में। यहाँ से इस तरीके से हम जिप को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने जिप स्टिच कर ली है और ये हमारा सीधा पार्ट है, और अब हम इसको दोनों साइड से स्टिच करेंगे। तो स्टिच करने के लिए दोनों साइड से सबसे पहले हमें जो होल बनाया है उसको हम बिल्कुल हाफ इस तरीके से रखेंगे और फिर हम सब दोनों साइड से स्टिच कर देंगे। तो ये जो हमने सर्कल बनाया है वो ऊपर से हाफ हाफ रहना चाहिए दोनों साइड में, और इसी के उससे हम दोनों साइड में अब स्टिचिंग लगा देंगे। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड से इसको स्टिच कर दिया है और ये बनकर रेडी हो गया है, और अब हम इसको सीधा करेंगे। तो यहाँ से हम थोड़ी सी इसकी जिप खोलेंगे और यहाँ से हम इसको ओपन कर लेंगे और इसको सीधा करेंगे। और ये मैंने इसको सीधा कर लिया है। और अब हमें एक कोई भी हैंगर प्लास्टिक का लेना है, ये देखिए अच्छे से ये बन गया है। और हमें एक कोई भी हैंगर प्लास्टिक का लेना है जिसको हम इसके अंदर इन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके का हैंगर लिया हुआ है प्लास्टिक का, और इसको हम इसके अंदर इन कर देंगे और ये बनकर रेडी हो गया है। और अब हम इसको डेकोरेट करेंगे, इसको अच्छे से हम कवर कर देंगे हैंगर को। और अब हम थोड़ा सा इसको डेकोरेट करेंगे। तो डेकोरेट करने के लिए आप चाहे तो फ्लावर बनाकर ऐड कर सकते हैं, इसमें आप लेस लगा सकते हैं अलग से ज्वाइन कर सकते हैं, या तो फिर आप आर्टिफिशियल फ्लावर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 3 आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगाए हैं, तो इसको हम स्टिक कर देंगे और ये बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है हमारा वार्डरोब ऑर्गेनाइज़र। तो मैंने ये वार्डरोब के पर्पज़ से बनाया है, आप इसको किचन में के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, रूम में भी कहीं पे भी हैंग कर सकते हैं, और इसमें आप काफ़ी चीज़ें रख सकते हैं। वार्डरोब के लिए आपके लिए बेस्ट होगा कि इसमें आप हैंकी वगैरह, सॉक्स वगैरह और भी कई छोटी मोटी चीज़ें बच्चों की रख सकते हैं, जिससे कि आपको ईजिली मिल जाएगी। और अगर ऐसे आपको रूम वगैरह में हैंग करना है तो आप इसमें कोई भी यूज़ की सामान रख सकते हैं जो कि आपको जल्दी मिलती नहीं है, तो आप छोटे मोटे सामान इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए इस तरीके से कई चीज़ें छोटी मोटी इसमें डाल दी है, आप इसमें सॉक्स वगैरह भी रख सकते हैं, टी शर्ट्स वगैरह भी रख सकते हैं। तो कि बहुत से तरीके से आप इसको ऑर्गेनाइज़र के यूज़ से ले सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, और इसको वार्डरोब में भी आप हैंग कर सकते हैं। तो मैं आपको वार्डरोब में हैंग करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से अलमीरा में या वार्डरोब में आप इसे हैंग कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको अलमीरा में हैंग कर दिया है, और इस तरीके से आप 2 या 3 पीसेस इसके अगर बना लेंगे तो आपके छोटे मोटे जितने सामान फैले रहते हैं तो वो सब सेफ़ रहेंगे, और इस तरीके से आप ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे और बहुत ही जल्दी से आपको ये सब मिल जाएंगे। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो 1 लाइक ज़रूर करिएगा। और मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी, एवरटेन का नेचुरल इंटीमेट हाइजीन वाइप्स जो कि 15 का सैशे आता है और ये इंडिविजुअली पैक रहता है गाइस, तो आप इसे कहीं भी ले जा सकते हैं ट्रैवल्स वगैरह में, अगर आप जॉब करती हैं तो भी आप इसे 2 या 3 बैग में हमेशा रख सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो वीडियो पसंद आया तो 1 लाइक ज़रूर करिएगा, कॉमेंट ज़रूर करिएगा।